गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निकिता शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। सो क्लास सेकंड, चैप्टर है 2, नंबर अप टू 1000, पार्ट है इसका 13, एक्सरसाइज है 2.4। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। सक्सेसर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इसमें सॉल्व करने हैं। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन है ए, राइट देयर सक्सेसर्स ऑफ देयर फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको लिखना है नंबर, फिर लिखना है सक्सेसर्स अब आपको देखना है इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है आपके पास वन नंबर, वो देखो आपके पास है 5, 6, 8। आपका ये फर्स्ट नंबर है 5, 6, 8। आपको बताया था कि सक्सेसर में क्या होता है, जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू आती है, जस्ट बाद वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब जस्ट बाद वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो 5, 6, 8 है, उसमें मैंने बताया था जब सक्सेसर वाला क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको 1 प्लस करना है, तो 9, 6, 5 आ गया समझ में। 1 प्लस करते ही आगे जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू आ गई ना, इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू जो आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो अब आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे 5, 6, 9 लिख सकते हो, 5, 6, 9। फिर देखो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में है आपके पास 7, 8, 9। अब हमें क्या करना है, हमें इसका भी जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू फाइंड करनी है, यही खोजना है ना कि जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी होगी। तो देखो आपको देखना है 7, 8, 9। अगर 9 में हम 1 प्लस करेंगे, देखो अब हमें जस्ट बाद वाली, तो हमें क्या करना है इसमें 1 प्लस करना है। तो 9 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए, 10, तो हो गया 0। यहाँ पे 8 है, 8 में जो 1 आएगा वो ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, ये हो गए 7, 9, 0, मतलब 7, 7, 90। फिर देखो थर्ड नंबर है आपके पास, थर्ड नंबर में है 8, 45। अब आपको देखना है कि 8, 45 है, उसका नेक्स्ट क्या होगा, इसमें 1 प्लस करेंगे 6, फिर 4, फिर 8, तो क्या आ जाएगा 8, 4, 6, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है नंबर 4, फोर वन थ्री, नेक्स्ट है 4, 1, 3। अब देखो 4, 1, 3 में 1 प्लस करना है, तो 3 में 1 प्लस किया 4, ये 1, ये 4, तो 4, 14 आ गए ना, तो हमें क्या लिखना है 4, 14, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 5 नंबर, 5 नंबर देखो आपके पास नंबर है 204। अब आपको 204 के नेक्स्ट जो नंबर है वो फाइंड करना है, तो 204 1 प्लस किया, 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 5, और ये 0 और ये 2, तो ये क्या हो गया 205।
यू गेट 205। फिर देखो नेक्स्ट है, अब देखो सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में आपके पास वैल्यू देखनी है आपको। देखो 705, ठीक है। अब 705 है, अब 705 के नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है? अब इसमें क्या करना है आपको, 1 प्लस करना है। तो 5 और 1 6, फिर 0, फिर 7, तो कितनी हो गई 706। देखो 7 नंबर है आपके पास 805। अब आपको क्या करना है, 805 है उसमें क्या करना है आपको, 1 प्लस करना है। तो 5 और 1 कितने हो गए 6, फिर 0 8, तो कितने हो गए 806, ठीक है। फिर देखो 8 नंबर है 299। अब देखो 299 है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 299। 1 प्लस करोगे, 9 में 1 प्लस किए तो कितने हो गए 10, तो ये 0, ये कैरी इधर चली जाएगी। फिर 9 में 1 प्लस किए तो कितने हो गए, यहाँ कितने आ जाएंगे 10 हो गए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 0, यहाँ फिर एक कैरी, तो 2 और 1 3, तो कितने हो गए 300, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 698। 698 हो सकती है ना। अब देखो आपको क्या करना है, 698 में भी 1 प्लस करना है। 698 1 प्लस किए, जब 8 में 1 प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे 9, फिर 9 एंड 6, तो 699, ये हो गए 699। फिर देखो नंबर 10 है, फिर आपके पास वैल्यू हो सकती है 488। 488 भी हो सकता है ना, तो देखो 488 में आपको क्या करना है, 1 प्लस करना है। जब 8 में 1 प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे 9, फिर ये 8, ये 4, तो कितने हो गए ये 489। अब देखो 10 तक हो गए, अब है नंबर 11, ठीक है। तो अब देखो नंबर 11 में है 487, ठीक है। अब आपको मैंने बताया थे ना 10 तक कि क्या करना है आपको, 1 प्लस करना है, क्योंकि ये जो सक्सेसर है उसमें क्या करना है, जस्ट आफ्टर वाली वैल्यू ही लिखनी है ना इसके अंदर। तो अब आपको क्या करना है, खुद का थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है, दिमाग यूज़ करना है। चलो अब ये एक गेम की तरह खेलते हैं हम, ठीक है। अब आप बताओ, आपको काउंटिंग तो आती है, सबको आती है ना काउंटिंग, वेरी गुड। तो देखो 487, अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी आएगी। तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। अब आपको पता है कि 4 और 8 हैं वो तो एज इट इज़ आएंगे, बस वंस वाली जो जगह है वही तो चेंज होगी ना सिर्फ। तो देखो आपने लिख दिया 4, फिर लिख दिया आपने 8, अब आपको सिर्फ ये वंस वाली जगह वही चेंज करनी है। तो आपको पता है कि 7 के बाद क्या आने वाला है 8, क्योंकि जब 87 अगर सिंगल हम 4 को अलग करें और 87 पढ़ते हैं, तो आपको पता चल गया ना 87 के बाद क्या आता है 88, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। फिर देखो नंबर 12, नंबर 12 में आपके पास डिजिट हो सकती है 887, हो गया ना इंटरेस्टिंग सा। फिर से अब आपको फिर से क्या करना है, वही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जो 88 है उनमें कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ चेंज किस में करना है 7 में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 88, मतलब ये 88 तो हमने लिख दिए। अब आपको देखना है इस 8 को छोड़ के ये जो 87 है उसके बाद क्या आएगा,
88, क्या आएगा 88, तो ये हो गया 888 हो गया ना। अब देखो 30 नंबर देखो। अब देखो हम देखते हैं 25, ठीक है, ये हो गया 25, ठीक है। तो अब ये 25 है तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हमें क्या करना है, इसी की वंस की जगह पे ही तो देखना है। ये तो 2 हो गया है। अब आपको पता है कि 5 के बाद में क्या आता है, 5 के बाद में 6 आता है और 110 और 3 मिलके जब 13 बन सकते हैं तो ये मिलके क्या बन सकते हैं 26। तो ये क्या हो गए 26। अब देखो आप लिख सकते हो 48, क्या लिख सकते हो 48। अब आपको पता है 48 के बाद जस्ट बाद में क्या आता है 49, तो आप क्या लिख सकते हो 49। फिर देखो लास्ट है 15 नंबर, इसमें आपको देखना है ओनली वन डिजिट। अब आपको पता है ना ही तो इसके कोई आगे वैल्यू है ना इसके कोई पीछे वैल्यू है, नहीं है ना, सिर्फ 7 अकेला ही है। तो आपको पता है 7 के बाद में क्या आता है 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8। तो आई होप आपको ये जो सक्सेसर का क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।